Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine and doing your work properly. So my dear students, today I am going to start the next part of a video, chapter number 5, the 100 dresses part 1. देखिए students, हमने second oral check तक इसको complete कर लिया है. आगे हम जो है इसको continue कर रहे हैं, तो मैं reading start कर रही हूँ my dear students. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. अभी ग्लैड का मीनिंग होता है हैप्पी, खुश थी वो. तो आज जो है उन्हें जो है वो स्कूल से देरी हो गई थी. किसको स्कूल से देरी हो गई थी? मैडी और पैगी को. दे हैड बीन लेट टू स्कूल, उन्हें देरी हो गई थी. तो मैडी यहाँ पे बहुत खुश थी. मैडी वॉज ग्लैड, क्यों खुश थी वो? शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, क्योंकि आज उन्हें जो है वो वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा था. मतलब वो वेट करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, और जैसे ही वो बोगिन साइड की तरफ से आती थी और उसका वेट करती थी और उसको टीज करने की कोशिश करती थी. लेकिन आज वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गई थी और मैडी को आज बहुत खुशी हो रही है कि आज जो है वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली. अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है आपका माइंडेडली का मतलब होता है एब्सेंट माइंडेडली. इसको हम यहाँ पे ये कहेंगे कि मतलब अटपटे ढंग से कह सकते हो, या फिर इसको आप अगर मैं इजी सेंस में कहूँ कि डूइंग समथिंग वाइल थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, कि अनमने ढंग से कोई भी काम करना. तो यहाँ पे कह रही है कि उसने अपने जो वो गणित के जितने भी क्वेश्चंस थे वो अटपटे अनमने ढंग से बिना मन के वो पूरे कर लिए थे. मतलब उसका कंसंट्रेट नहीं हो रहा था, उसका मन नहीं था वो चीज़ करने का, फिर भी वो उसने कर लिए. तो अब्सेंट माइंडेडली को हम यहाँ पे ये कहेंगे कि डूइंग समथिंग वाइल थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, कर कुछ रहे हैं लेकिन आप मतलब आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आपका मन नहीं है वो चीज़ करने का, फिर भी आप वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं. एट टाइम्स एट, आठ गुना आठ, इस टाइप से जो है वो अपना मैथ का काम कर रही थी. लेट अस सी कितना होता है अभी, आठ गुना आठ कितना होता है, इस तरह से वो काम कर रही है अपना. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. तो यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे हम नर्व को कहेंगे करेज, ठीक है, करेज. तो उसने कहा भी आठ गुना आठ कितना होता है, इस तरह से वो अपना काम कर रही थी. उसकी इच्छा थी कि काश उसमें इतनी हिम्मत हो जाए, इतना करेज हो जाए कि वो जो है वो पैगी को एक नोट लिखे, एक पर्ची लिख सके. क्यों लिख सके? राइट ए नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट ऑफ आउट टू पैगी टू से, क्योंकि उसके अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था, साहस नहीं था उसके अंदर कि वो बिल्कुल फ्रेंकली जो है उसके सामने जाए और फ्रेंकली पैगी से कहे कि हे पैग, इसको शॉर्ट में पैग बोला गया यहाँ पे. देखिए लेट अस स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि वो जाके उसके सामने ये बोल सके कि तुम जो है वेंडा को ये सब कहना बंद कर दो कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी, वो काफ़ी डरती थी. हालांकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर बना रहता था और उसकी हिम्मत नहीं थी वो जाके फेस टू फेस बात करे. तो उसके मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना वो उसको एक नोट लिखे, एक स्लिप लिख दे, पर्ची पे उसको सारी बातें एक्सप्लेन कर दे. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना सारा अर्थमेटिक का काम फिनिश कर लिया था, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. तो उसने क्या किया, जैसे अपना काम फिनिश किया उसके बाद उसको एक नोट लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया उसने पैगी को. किसने स्टार्ट कर दिया था? मैडी ने, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. सडनली अचानक से क्या होता है, शी पोज एंड सडर्ड, उसने जो है वो पोज कर दिया और वो कांप उठी. मतलब क्यों कांप उठी, मतलब डर लग रहा था उसको यहाँ पे और उसने जो है वो पोज किया. जैसे जैसे वो लिख रही थी तो उसको घबराहट होने लगी और घबराहट के साथ उसने अपना जो वो नोट लिखना एकदम से बंद कर दिया. सडर्ड को हम यहाँ पे कहेंगे शुक, या फिर जिसमें आप ये कह सकते हैं कि विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ गई थी एकदम से कि वो क्या करने जा रही थी और काफ़ी घबरा गई थी. तो शुक मतलब हिल गई थी वो यहाँ पे. उसने पोज किया और एकदम से वो घबरा गई थी. शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड. अब देखिए ये जो वाला जो स्टेंजा है बच्चों, इसमें ये इमेजिनेशन के तौर पर दिखाया गया है, वो रियलिटी नहीं हो रही कि वो जो है वो मैडी भी स्कूल यार्ड में खड़ी हो गई है और बाकी फ्रेंड्स उसका जो टीज कर उसका मजाक उड़ा रही, नहीं. अब शी पिक्चर्ड, वो अपने आप को इमेजिन करके देख रही है. नोट लिखते लिखते उसके हाथ रुक गए थे और वो कांप उठी थी, क्योंकि उसने क्या कहा कि शी पिक्चर्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को इमेजिन किया इन द स्कूल यार्ड, के स्कूल यार्ड में खड़ी हुई थी
ए न्यू टारगेट फॉर पैगी। अब पैगी को एक नया टारगेट मिल गया था एंड द गर्ल्स जो भी बाकी गर्ल्स थी स्कूल के अंदर। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, और पैगी जो है वो उसे ऐसे पूछ रही होती कि तुमने जो ये ड्रेसेस है वो कहाँ से ली हैं। दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ा इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि वो जो है वो पैगी की पुरानी ड्रेसेस हैं जो वो पहनती थी, और उसकी छोड़ी हुई ड्रेसेस को कौन पहन रही है, मैडी पहन रही है। देखिए बेटे यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपने, ये इमेजिनेशन चल रही है मैडी के माइंड की, और वो ये सोच रही है कि काश ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था कि ऐसा हो कि मान लो मैं जो हूँ स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ और मैडी ने जो है वो अपना मतलब पैगी ने जो है अपना एक नया टारगेट फिक्स कर लिया है बाकी गर्ल्स के साथ मिलकर मुझे टीज करने का, तो मेरे साथ भी अब वैसा ही हो रहा था। तो यहाँ पे वो सिर्फ सोच रही है एंड मैगी वुड हैव टू से, और मैडी को क्या कहना पड़ा कि वो पैगी की छोड़ी हुई ड्रेसेज हैं जिसकी जो वो पहन के आती हैं। एंड मैडीज मदर, और मैडी की मदर क्या करती है, हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद, अब डिस्गाइज का मतलब होता है चेंज द अपीयरेंस, चेंज द अपीयरेंस, देखिए यहाँ पे वर्ड आया है चेंज द अपीयरेंस, जो उसकी लुक को चेंज कर देती है, मतलब वो बुटीक वगैरह का काम करती है, उसकी मदर टेलरिंग का काम जानती है और वो क्या करती है पुरानी छोड़ी हुई ड्रेसेस को उसमें जो है उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देती है और कुछ अपना बॉर्डर वगैरह सेट करके उसको नया बना देती है, न्यू ट्रिमिंग एंड नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 के अंदर उसको कोई भी रिकॉग्नाइज ना कर सके। तो यहाँ पे जो ट्रिमिंग है, ट्रिमिंग का मतलब यहाँ पे होता है स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट क्लोथ, भी अलग अलग कपड़े के टुकड़े से जो वो अलग अलग पैचेस बना के पुरानी ड्रेस को नया बना देती है उसकी मदर। इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि उसको जो है वो कोई इस ड्रेस के अंदर पहचान ना सके कि वो किसकी छोड़ी हुई है, वो पैगी की छोड़ी हुई ड्रेसेस को पहन कर आती है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, तो इस लाइन के अंदर बोला गया है कि काश पैगी जो अपनी इच्छा से ही वेंडा का जो है वो मजाक उड़ाना छोड़ दे। अब वो ये खुद सोच रही है कि ऐसा ना हो उसके साथ, क्योंकि वो भी एक गरीब लड़की है और चाहती है कि ऐसा उसके साथ ना हो। मैडी अपने आप को रियलाइज करके देख रही है कि वेंडा को कितना बुरा लगता होगा। ओह वेल, मैडी कैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। अब मैडी क्या करती है, रेन हर हैंड, अपना हाथ जो है वो घुमाती है इन शॉर्ट ब्लॉन्ड्स हेयर, तो यहाँ पे ब्लॉन्ड्स हेयर को हम बोलेंगे ऑफ पेल गोल्ड ऑन कलर्स, गोल्ड कलर जो सुनहरे बाल थे उसके, वो अपने जो है वो ब्लॉन्ड कलर के हेयर्स के अंदर क्या करती है अनकंफर्टेबल थॉट को हटाने के लिए इस तरह से अपने बालों के अंदर हाथ को फिरा देती है, ताकि वो थॉट्स हैं जो उसके माइंड से जो आ रहे हैं नेगेटिव थॉट वो माइंड से चले जाएँ। वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे जो है वो क्या फ़र्क पड़ने वाला था, इसे जो वो क्या अंदर पड़ने वाला था जो ऐसा वो कर रही थी। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, तो मैडी ने क्या किया, जो एक लेटर लिखने की कोशिश कर रही थी, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहती थी, क्योंकि उसके सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं थी पैगी के सामने मैडी की, तो उसने क्या किया लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया था, और वो लेटर को अब क्या कर रही थी उसने उसको छोटे छोटे पीसेस में टुकड़ों में काट दिया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पैगी की क्या थी, बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी दोस्त थी वो, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी है वो सबसे पॉपुलर लड़की है जिसने ये गेम शुरू किया था, इसलिए आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना मैडी पैगी और वेंडा में। देखो वेंडा तो वो लड़की है जो बोगिन हाइट से आती है, जो 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती थी, और मैडी खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और पैगी वो लड़की है जो बहुत फेमस है, मतलब काफ़ी पॉपुलर है क्लास के अंदर स्कूल के अंदर। पैगी वॉज द बेस्ट लाइक, पैगी एक ऐसी लड़की है जिसको सभी पसंद करते हैं पूरे के पूरे रूम नंबर 13 के अंदर। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, तो यहाँ पे उसने सोचा कि पैगी जो है वो निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो कि गलत हो, उसने ऐसा सोचा भी पैगी जो है वो ऐसा गलत काम नहीं करेगी, मुझे पता है। एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वेंडा के बारे में, जहाँ तक वेंडा का जो रिलेशन था, जो संबंध था, वह तो मात्र कोई लड़की ही थी जो बोगिन साइड पर रहती थी, मतलब एक सिंपल सी लड़की जो बोगिन हैंड्स पर रहने वाली है। एंड सी स्कैर्सली एवर सेड, अब यहाँ पर स्कैर्सली को बोलेंगे हम हार्डली, शी हार्डली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो मुश्किल से ही किसी से कोई बात करती थी, मतलब कुछ कभी जो है वो कोई बात किसी से कहा करती थी, बहुत ही
मतलब कम, जिसको आप बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, बहुत कम बोलना जिसको बोलते हैं ना, कम बात होनी है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज। तो सिर्फ एक ही बात थी। अब ये सारी की सारी जो ना मैडी सोच रही है अबाउट वेंडा, ओल्ड टाइम के बारे में सोच रही है कि भी जब जैसे वेंडा आया करती थी स्कूल में, वो किस टाइप की लड़की थी। वो तो सिर्फ एक अकेली मात्र ऐसी लड़की थी जो बोगिन हाइट्स की तरफ से आती थी, बाकी सभी जो बच्चे थे वो जो है वो सेम सेम जगह से आते थे, लेकिन वेंडा जो है वो टोटली डिफरेंट थी, जो वहाँ से उस एरिया से आती थी, अकेली आती थी पैदल चलकर। तो अब ये सारा का सारा जो देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है आपका बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो मैडी की जो वो इमेजिनेशन है वो सोच रही है कि किस तरह से जब वो आती थी और वो जो वो हार्डली कुछ ही वर्ड्स जो है वो बोलती थी, और अगर बोलती भी थी तो सिर्फ 100 ड्रेसेस के बारे में ही बोलती। तो मैं तो इस पैराग्राफ में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं मुश्किल से ही कभी कभार कोई बात कहा करती थी, एकमात्र जो है जब उससे कोई बात की थी तो वो थी सिर्फ एक स्कूल के आंगन में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। देखिए यहाँ तक, मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। तो मैडी को जो है वो याद था जब वो बता रही थी अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, कि उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था, जो उसके उसने कहा था कि मेरे पास इतनी सुंदर ड्रेस है, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग। उसने कहा था कि उसको याद है, मैडी को याद आ रहा था कि किस तरह से जो उसने अपनी पोशाकों में से जो 100 ड्रेसेस थी उसमें से एक जो है वो ड्रेस के बारे में जिक्र किया था उसके सामने, कि हल्के नीले रंग की पोशाक है जिसके ऊपर जो है वो रंगों से पट्टियाँ बनाकर एक सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये देखो ट्रिमिंग करके मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ट्रिमिंग जो ट्रिमिंग होता है उसमें आप क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट क्लॉथ, अलग अलग जो है वो कपड़ों के टुकड़े उठा के पैच बना के एक डिज़ाइन बना देते हैं। आगे देखो क्या बोलती है, एंड शी रिमेम्बर्ड, और उसको याद आ रहा था अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शैश। उसको एक और ड्रेस के बारे में याद आता है कि चमकीले गहरे रंग की थी, जिसकी कमर के आसपास जो वो एक पेटी सी बनी हुई थी, एक बेल्ट बनी हुई थी, एंड यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशन। एडमायरेशन यहाँ पे किस लिए बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि जब वो इस ड्रेसेस के बारे में बात कर रही थी तो बाकी लड़कियाँ सुन रही होती थी, तो अब ये सारी बातें मैडी को याद आ रही हैं कि किस तरह से उसने अपने 2 ड्रेस के बारे में, जो काफ़ी पॉपुलर ड्रेस थी जो उसने जिक्र किया था हमारे सामने, एक तो हो गई थी आपकी जंगल ग्रीन वाली, और उससे पहले जो है उसने एक ब्लू कलर के बारे में बात की थी, 2 ड्रेसेस के बारे में उसने उसको बताया था। तो इसमें से तुम एक क्रिसमस ट्री के जैसे लगोगी, लड़कियों ने जो है प्रशंसा करने का नाटक करते हुए जो है वो किसको कहा था, वेंडा को कहा था, अरे तुम तो फिर इसमें क्रिसमस ट्री के जैसे लगती होगी चमकती हुई, इस तरह से मजाक उड़ाते हुए। हालांकि वो उसका उसको टीज ही कर रही थी, उसके ऐसे प्रिटेंड कर रही थी, वजह से उसकी एडमिरेशन करते हैं ना कि प्रशंसा करते हैं, उसकी जो तारीफ कर रहे होते हैं, तो तारीफों के पुल के बदले इनडायरेक्ट वे से उसका क्या कर रही थी, वो मजाक उड़ा रही होती थी। तो अब इस पैराग्राफ के अंदर सारी की सारी जो बातें कही गई हैं वो मैडी को याद आ रही थी कि किस तरह से जो है वो वेंडा ने अपने ड्रेसेस के बारे में हमें बताया था। आगे देखिए बच्चों क्या बोला गया है, देखिए प्रिटेंडेड का मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया कि नॉट रियल, रियल के अंदर तो उसकी तारीफ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एक मजाक के वही से उसे बात कर रही थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैगी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्रॉइंग एंड कॉलरिंग कॉन्टेस्ट। अब देखिए क्या बोला गया कि वेंडा और उसकी अलमारी में सजी हुई जो 100 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी इस बारे में जो है बिल्कुल सरप्राइज, मतलब हैरान होगी, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, तो हैरानी करने लगी कि अब जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो है वो स्कूल के अंदर दिया गया था, तो अब उसके बारे में उसको याद आता है कि ड्राइंग और कलर के मुकाबले में कौन जीतने वाला था, अभी कौन जो वो कॉन्टेस्ट अभी जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें कौन विनर होने वाला था। फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़, अब गर्ल्स के लिए जो है वो उनको टास्क जो दिया गया था वो क्या कर दिया गया था उस कॉन्टेस्ट का, उनको जो है वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है, एंड फॉर बॉयज़, और जो लड़के थे वहाँ पर ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, उनको जो है वो मोटर नाव के चित्र बनाने थे। तो ये अलग अलग टास्क बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिए गए थे, स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ था, ड्रॉइंग का कॉम्पिटिशन हुआ था ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, तो बॉयज़ को बनानी थी मोटर बोट्स और लड़कियों को बनाने थे ड्रेसेस के डिज़ाइन। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, तो ये तो निश्चित था कि जो पैगी थी, क्योंकि पैगी को बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाने आते थे, वुड विन द गर्ल्स मेडल, वो गर्ल्स में जो है वो मेडल जीत जाएगी, ये सबको विश्वास था, पैगी लड़कियों वाला मेडल जीत जाएगी ये सबको यकीन था, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर भी थी, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी जो है वो बाकी है उस सबसे जो है वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर ड्रॉ कर सकती है उस रूम के अंदर।
तो पैगी जो है वो कक्षा में किसी भी अन्य की बजाय जो वो सबसे बढ़िया जो है वो चित्र बना सकती है। एटलीस्ट दैट्स वर्थ एवरीबडी थॉट। अब देखो सारे के सारे जो है वो हर कोई सोचता था, कम से कम यही बात थी जो हर कोई सोचता था। अभी देखो गर्ल्स का तो फाइनल है ही, गर्ल्स में तो पैगी को ही मिलने वाला है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। तो यहाँ पे जो है वह किसी भी पत्रिका के अंदर, किसी भी मैगजीन के अंदर दिए गए चित्र को देखकर उसके जैसा ही कॉपी करके बना देती थी, या फिर किसी भी फिल्मी सितारे का जो है वो सिर का चित्र बना देती थी, जिसे आप लगभग ऐसा बता सकते हैं कि वह कौन हो सकता है। मतलब इतनी कॉपी कर देती थी कि आपको देखते ही पहचान आ जाएगा कि उसने किसको ड्रॉ किया है। और ये उसकी बात हो रही है पैगी की, कि पैगी के अंदर जो वो एक आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी कला थी उसके हाथों में और बहुत अच्छा ड्रॉ करती थी। ओह मैडी वो श्योर पैगी वुड विन। अब यहाँ पे देखो मैडी तो बिल्कुल श्योर हो गई थी कि मैडी को निश्चय था कि पैगी ही जीतेगी और कोई नहीं जीतने वाला। वेल टुमोरो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। तो कल जो है वो टीचर अनाउंस कर देगा रिजल्ट कि जो है वो विनर कौन होने वाला है। देन दे वुड नो, तभी वो जान पाएंगे। देन दे वुड नो, तभी उनको पता लग पाएगा कि कौन विनर होने वाला है। कल तो टीचर अनाउंस कर ही देगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन जो वो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग का मतलब होता है रेनिंग लाइटली, रेनिंग लाइटली, हल्की जब बूंदाबांदी होती है उसको हम कहते हैं ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज। जो यहाँ पे जो है वो पैगीज अम्ब्रेला, उस पैगी का जो है अम्ब्रेला लेकर, पैगी का छाता लिए हुए जो है मैडी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल को आ जाती हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेटोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। कॉर्नर पे वो इंतजार करती थी, वो बोगिन हाइट्स की तरफ से आती थी। लेकिन आज क्या हो रहा था कि स्वाभाविक रूप से इस तरह के दिन में जब आज का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, उन्होंने जो है वो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर खड़े होकर वेंडा पेटोंस्की का इंतजार नहीं किया। आज उन्होंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया क्योंकि आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिंस हाइट। तो बोगिंस हाइट की तरफ से जो है वो वहाँ पे ओलिवर स्ट्रीट के पास जो खड़ी होकर रहती थी, उसके बाद की गली जाती थी और रेल लाइन के नीचे से होती हुई पहाड़ी के ऊपर को चली जाती है। और वो जो पहाड़ी थी वो कहाँ जा रही थी, बोगिन हाइट्स की तरफ जाती थी। और वो नीचे जो है वो रेल रोड के उसका वेट किया करती थी, और उसे जो साथ वाली जो गली थी वो ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती थी। और पहाड़ी की तरफ ही घर था वेंडा पेटोंस्की का, जहाँ पर वो रहती थी, बोगिन हाइट्स की तरफ रहती थी। एनी वे दे वर नो टोकिंग चांसेस ऑन बींग लेट टूडे बिकॉज टूडे वॉज इम्पोर्टेंट। तो आज का दिन वो बिल्कुल किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहती थी, आज कोई चांस नहीं लेना चाहती थी वो। वो सिर्फ क्या चाहती थी कि हमें जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंचना है। आज कोई भी खतरा नहीं ले रही थी क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था। क्यों होने वाला था उनका दिन इम्पोर्टेंट? डू यू थिंक मिस मैसोन विल अनाउंस द विनर टूडे, आस्क पैगी। क्या तुम समझती हो कि मिस मैसोन आज विजेताओं के जो है वो नाम घोषित कर देगी, पैगी ने पूछा। अब मिस मैसोन कौन थी? मिस मैसोन थी उनकी हेडमिस्ट्रेस, जो उनको पढ़ाया करती थी, उनको टीच किया करती थी, उनकी क्लास टीचर थी मिस मैसोन। विल अनाउंस, वो अनाउंस कर देगी आज, पब्लिकली बता देगी कि विनर कौन होने वाला है। देखो दो ही कॉन्टेस्ट हुए थे, गर्ल्स के लिए ड्रेसेस का कॉम्पिटिशन था और बॉयज़ के लिए वोटर नाव का कॉम्पिटिशन था। तो पैगी पूछती है भी आज तुम क्या सोचती हो, आज अनाउंस हो जाएगा रिजल्ट? ओह आई होप सो, हाँ मुझे लगता है द मिनट वी गेट इन सेड मैगी। ऐसी मतलब ऐसी जो है वो आशा करती हूँ, मुझे आशा है जो ही हम वहाँ एंट्री करेंगे, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, तुम चिंता मत करो, तुम ही विनर होने वाली हो। ये उसकी फ्रेंड मैडी ने किसको कहा है? पैगी को कहा है कि तुम जल्दी ही, जैसे ही हम एंट्री करेंगे विद इन ए मिनट, हमें पता चल जाएगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल विन, तुम जीत जाओगी। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया गया। होप सो सेड पैगी इगरली। मुझे ऐसी उम्मीद है, पैगी ने बड़ी ही इगरली, बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ, का उत्सुकता के साथ ये बात कही। नेक्स्ट टेंस देखिए बेटा, नेक्स्ट टेंस में क्या बोला गया है? द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही उन्होंने क्लास के अंदर एंट्री की, गैप्स का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना देखकर, मतलब
बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भर जाना, ग्रेटली सरप्राइज बोलेंगे इसको। तो जैसे ही उन्होंने क्लासरूम के अंदर एंट्री की, वो रुक गई थी कुछ टाइम के लिए और इतनी हैरान हो गई थी, सरप्राइज फील कर रही थी। देयर वर ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो विंडो सिल। अब लेज यहाँ पे दिया गया है वर्ड लेज, लेज का मतलब होता है ए नैरो फ्लैट शेल्फ, दीवार से जो निकली हुई आपकी शेल्फ होती हैं, जो बाहर का एरिया होता है थोड़ा सा निकल जाता है, उसको लेज बोलते हैं। और विंडो विंडोज सिल को बोलते हैं ए नैरो शेल्फ बिलो ए विंडो, जो मतलब खिड़की से जो है वो नीचे की बनी हुई जो शेल्फ होती है उसको बोला गया है। डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है, देखिए इस वर्ड का मतलब होता है डेजलिंग, वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीले। और लेविश का मीनिंग यहाँ पे आपको दिया गया वेरी ग्रैंड। तो जैसे उन्होंने एंट्री की, वो इतनी ज़्यादा हाँफने लगी थी और रुक गई थी देखने के लिए कि पूरे के पूरे कमरा जो है वो पिक्चर से ड्राइंग से भरा पड़ा था, दीवार के बाहर को निकले हुए शेल्फ के ऊपर और खिड़की की जो वो शेल्फ के मतलब उस साइड भी जो है वो आँखों को जो है वो चमका देने वाले रंग, चमकते हुए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जो वो डिज़ाइंस लगे हुए थे। और सभी बड़े बड़े जो है वो ऑल ड्रो ऑन द ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, जिसको आप रैप करके जिस तरह से आप शीटें होती हैं उनको लपेट देते हैं, तो लपेटने वाले कागजों के ऊपर वो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाए गए थे। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, तो वो वहाँ पे लगभग जो है वो 100 के बराबर थे। और एक लाइन के अंदर, जैसे जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया, इस तरह से यू लाइन अप के किए गए थे और सारे के सारे जो है फोल्डिंग पेपर के ऊपर बनाए गए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस। दे मस्ट बी द ड्रॉइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ऑब्वियसली बात थी, तो ये ड्रॉइंग के लिए मतलब कॉन्टेस्ट के लिए ही जो है वो ये ड्रॉइंग बनाई होगी। एंड देवर ऑब्वियसली बात है ये उसी के लिए थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, तो सभी के सभी जो है वो वहाँ पे रुक रहे थे, विसल्ड जो है वो सीटियाँ बजा रहे थे और मर्मर्ड, मर्मर्ड का मतलब होता है स्पोक इन ए सॉफ्ट वॉइस, स्पोक इन ए सॉफ्ट वॉइस, धीमी आवाज़ में बात करना मर्मर्ड को बोलते हैं। एडमायर का मतलब होता है एक तरह से प्रेज करते हुए, जो वो तारीफ करते हुए हर कोई वहाँ पे रुक रहा था, सीटियाँ बजा रहा था और धीमी धीमी आवाज़ों में जो है वो फुसफुसाते हुए कोई ना कोई बात कर रहा था उन ड्रेसेस को देख देख कर, वो इतने ज़्यादा सुंदर थे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही जो है वो क्लास जो वो इकट्ठी हो गई थी, सारे के सारे बच्चे आ गए थे, मिस मैसोन अनाउंस द विनर्स, तो मिस मैसोन ने जो है वो विनर्स के नाम अनाउंस कर दिए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, तो जो जैक बैगल्स था वो विजयी रहा है, तो मैडम ने जो है वो बॉयज़ में तो अनाउंस कर दिया कि वो ऑन द बॉयज़, बॉयज़ में जीत लिया है उसने। और क्या कहा, सी शेड, जो मिस मैसून ने क्या कहा, हिज डिज़ाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, मतलब एग्जीबिशन के लिए रूम नंबर 12 के अंदर जो है वो उसके मोटर वाला जो डिज़ाइन है, जो मोटर बाइक मोटर नाव वाला दिया गया था उनको कॉन्टेस्ट में बनाने के लिए, तो जैक बैगल्स का जो डिज़ाइन है वो रूम नंबर 12 में जो है एग्जीबिशन में लगा हुआ है, मतलब नुमाइश के लिए लगा गया है, अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, जो बाकी जहाँ पे सारे बॉयज़ के मतलब बॉयज़ के कहाँ पे थे, रूम नंबर 12 के अंदर थे। और गर्ल्स का जो है वो अब हम आगे नेक्स्ट वाले स्टेंजे में देखेंगे, रूम नंबर 13 में। तो बॉयज़ के जो डिज़ाइन थे उसमें तो जो है वो जैक बैगल्स विनर रहा था। और अब आगे देखते हैं स्केचेस फॉर ऑल द अदर बॉयज़, बाकी सभी बॉयज़ के जो स्केचेस रखे गए थे उन्हीं के साथ जो है उसका एग्जीबिशन के साथ रखा गया था। और मिस मैसून ने यहाँ पे बॉय में जो है वो नाम अनाउंस कर दिया था। तो अब चेक करते हैं हमारा जो है वो नेक्स्ट वाला स्टेंजा, अभी बॉयज़ के अंदर तो नाम जो है वो विनर का नाम अनाउंस कर दिया था मिस मैसून ने, तो अब गर्ल्स का चेक करते हैं, गर्ल्स में जो वो क्या होता है। एज फॉर द गर्ल्स ही शेड ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट, देखिए यहाँ पे मिस मैसून कह रही है कि जहाँ तक लड़कियों की बात थी तो उसने कहा कि अधिकतर लड़कियों ने एक या दो चित्र ही जो है वो जमा किए गए थे, मतलब हर एक लड़की ने क्या किया था, एक या दो ड्रेसेस जो है वो सबमिट करवाई थी जब ये कॉन्टेस्ट हुआ था। वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक ऐसी लड़की है, अब एक ऐसी वो लड़की कौन थी, ये वही लड़की थी वेंडा पेटोंस की, द रूम 13 वुड बी, रूम 13 को उस लड़की पे बहुत ज़्यादा, रूम नंबर जो 13 है उस लड़की पे इतना ज़्यादा गर्व फील करने वाला है, इतना ज़्यादा प्राउड फील करने वाला है। दिस वन गर्ल एक्चुअली डू 100 डिज़ाइंस, ये एक ऐसी लड़की है जिसने 100 डिज़ाइन जो है वो क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे के सारे इतने सुंदर हैं और एक से चढ़कर एक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन बताए गए हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, अगर मैं जजेस जो है वो जितने भी यहाँ पे निर्णायक मंडल बैठा हुआ था, अगर मैं उनके ओपिनियन की बात करूँ, तो वन ऑफ द ड्रॉइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, तो एक ही जो है वो
ड्रेस काफ़ी थी, एक ही ड्राइंग काफ़ी थी, जिस बच्ची ने डिज़ाइन 100 बनाए हैं, अगर मैं उनमें से एक भी अगर देखूं तो वो काफ़ी थी डिज़ाइन, मतलब इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। द प्राइज़, प्राइज़ वही बच्ची जीती, अगर वो एक डिज़ाइन भी देती अपनी बनी हुई ड्रेसेस में से तो वही विनर होने वाली थी। तो उसने तो 100 जमा कर दिए हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये बात कहते हुए, दैट वेंडा पेटोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो गर्ल्स के मेडल में जो है वो वेंडा पेटोंस्की आप देख सकते हैं, वेंडा पेटोंस्की क्या है, विनर रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उस बच्चे का नाम अनाउंस करते हुए मिस मैसोने का। देखिए ये सारे के सारे जो ड्रेसेस हैं इस तरह से लाइनअप की गई थी। वो जब बात करती था उसको जब टीज किया जाता था कि ऑल 100 ड्रेसेस आर लाइंड अप इन माय क्लोज सेट, मेरी अलमीरा के अंदर लगे हुए हैं, एक से चढ़कर एक डिज़ाइन दिए गए हैं, तो ये वही 100 ड्रेसेस होते थे बेटा। देखो उसके अंदर टैलेंट था, वो एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थी, और इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती थी कि इन्हीं ड्राइंग्स के बारे में गर्ल्स के सामने जो है मासूमी से बात करती थी कि मेरे पास ना 100 ड्रेसेस हैं, और वो 100 ड्रेसेस उसके बने हुए हाथ से स्केचेस होते थे जिसके बारे में वो बात करती थी। अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो है वो क्या है कि वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लोज दैट इज़ ड्यू टू हर। आज देखिए बड़ी ही मतलब दुख की बात है कि वेंडा जो है वो कुछ दिनों से जो है वो स्कूल में अनुपस्थित है, नहीं आ रही है, और उसकी वाहवाही को यहाँ पे लेने के लिए वो आज नहीं है, जिसकी वजह से अप्लोज, ये जो क्लैपिंग हो रही है, बिग अप्लोज जिसको आप बोलते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट लूटने के लिए वो यहाँ पे नहीं है। लेट अस होप शी विल बैक टुमोरो, तो उम्मीद करते हैं कि वो कल यहाँ पर आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड, फाइल अराउंड का मतलब होता है मूव इन ए लाइन, एक लाइन पर चलना। तो आप जो है वो सभी क्लास को जो हो क्या बोला जाता है, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। तो कहते हैं कि अब जो है वो क्लास के सभी जो स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि चुपचाप जो है वो लाइन बनाकर उस कमरे का चक्कर लगाएं, और शानदार जितने भी जो ड्राइंग्स लगाई गई हैं, एक्वीज़ एक्वीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल को बोला गया है, और इतनी ज़्यादा सुंदर जो भी ड्राइंग्स बनाई हुई हैं आप उनका एक राउंड लगा कर देखें कि कितनी सुंदर वहाँ पर सेटअप किया गया है। द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अप्लोज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। तो बर्स्ट इन टू अप्लोज, बर्स्ट इन टू अप्लोज को यहाँ पे बोला गया है स्टार्टेड क्लैपिंग सडनली, अचानक से जोर जोर से तालियाँ बजा देना। अब देखिए बॉयज़ की बात हो रही है तो बॉयज़ को मौका मिल गया था यहाँ पे फुट स्टैम्प करने का, फ्लोर के ऊपर जोर जोर से तालियाँ बजाने का, सीटियाँ बजाने का। देखो उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं, देखो क्या मतलब होता है कि बॉयज़ जो वो गर्ल्स की ड्रेसेस के ऊपर विसल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बस उनको तो एक अपने आप को ओपन करने का और ये सब करने का बहाना मिल गया था। अप्लोज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो बॉयज़ तो अपने यहाँ पे शुरू हो गए थे जो वो अपना फुट जो स्टैम्प करने लगे थे फ्लोर के ऊपर, एंड पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। देखिए उनका कोई ड्रेसेस के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनको तो सिर्फ एक मौका मिल गया था अपनी प्रसन्नता को महसूस करने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो वो शुरू हो गए थे ऐसे ही विस्लिंग करना और तालियां बजाना उन्होंने शुरू कर दिया था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने जो है वो सॉफ्ट वॉइस के अंदर जो है विस्पर बुदबुदाते हुए क्या कहा कि देखो पैगी, देयर वॉज दैट ब्लू, वहाँ पे जो है वो ब्लू कलर की जो ड्रेस लगी हुई ना, शी टोल्ड अस अबाउट, जिसने हमें बता, जब हम ग्रुप के अंदर बात करते तो वो हमें बताती थी कि मेरे पास एक जो है वो ब्लू कलर की ड्रेस है, इजेंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है, जिसके बारे में उसने हमें बताया था, देखो वो वहाँ पे लगी हुई है। यस सैड पैगी, पैगी ने कहा हाँ वो सुंदर है, एंड हेज द ग्रीन वन, और यहाँ पे देखो एक ग्रीन वानी भी लगी हुई है बॉय। अब ये जो बॉय है ये किसी बॉयज़ वाला लड़के वाला बॉय नहीं दिया गया, ये बॉय दिया गया है एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, हैरानी वाला जो दिया गया है, इसलिए बोला गया BOY यहाँ पे। एंड आई थॉट आई कुड ड्रो, मैं तो ये सोचती थी, ऊह जिसको हम कहेंगे ऊह, ऐसे हम बोलते ना हूँ, मैं तो ये सोचती थी कि शायद मुझे ही ड्रो करना आता है, लेकिन यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर डिजाइंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पैगी के एक्सप्रेशन की बात की गई है, ऊह जिसको हम बोलते हैं कि मैं ही, मुझे ही इतना प्राउड फील हो रहा था कि सिर्फ मुझे ही आता है ड्रो करना, जिससे मैं कोई भी आर्टिस्ट का जो है वो फेस ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो जो है वो मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। इस तरह से आप इस स्टेंजे को फिनिश कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1,
और ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो दिया गया है वो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाई डिडेंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टेजिंग वेंडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड, क्यों नहीं कर सकती तो फेस टू फेस बात जो हो वेंडा के बारे में उसको जो वो टेज करना बंद कर दे, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, किस बात से डर उसको लगता था। तो इसका आंसर में हम यही कह सकते हैं कि मैडी डिड नॉट हैव द करेज, मैडी के पास जो वो करेज नहीं था टू डू दैट, ये सब करने के लिए कि वो फेस टू फेस जाए, उसको डर लगता था। शी वॉज़ वेरी अफ्रेड भी कह सकते हैं कि वो डरी हुई थी, मतलब उसको डर लगता था उसके साथ जो वो फेस टू फेस बात करने में। एंड शी थॉट, वो क्या सोचती थी, दैट पैगी एंड द अदर गर्ल्स वुड देन मेक हर एंड द टारगेट ऑफ देयर रेडिक्यूल्स, जो उन्होंने मजाक जो शुरू किया था तो वो भी उसका एक पार्ट बन सकती थी, इसलिए उसके अंदर हिम्मत नहीं थी और यही इसका रीज़न बताया गया है। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट, वाई, देखिए मैडी ने क्या सोचा था, दैट पैगी डू बेटर देन एनीवन, कि पैगी ऐसी लड़की है जो किसी से भी बेटर जो वो डिज़ाइन ड्रॉ कर सकती है, एनीवन एल्स इन द क्लासरूम, क्लास 13 के अंदर जो वो एक पैगी ऐसी लड़की है जो किसी का भी जो पिक्चर ड्रॉ कर सकती है। सो शी वॉज ऑलमोस्ट सर्टन, वो बिल्कुल यहाँ पे निश्चित हो गई थी, बिल्कुल 100% श्योर हो गई थी दैट पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट, कि पैगी एक ऐसी लड़की है जो गर्ल्स मेडल का विनर होने वाली थी। थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हु वॉन द ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट एंड हु हैड द विनर जॉन, हु वॉन द ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट, ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट जो है वो किसने जीता था कॉन्टेस्ट, इट वॉज वेंडा, तो वो लड़की कौन थी, वेंडा, हु वॉन द कॉन्टेस्ट, शी हैड ड्रॉन ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ 100 ड्रेसेज, तो उसने जो है वो 100 जो है वो डिज़ाइन बना दिए थे, ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जीता कौन था, हु का आंसर हमें मिल गया था वेंडा पेटोंस्की, एंड व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, मतलब किस बात के लिए जो वो चीज़ें क्यों निकाला गया था उसको विनर, बिकॉज शी हैड ड्रॉन द पिक्चर्स ऑफ 100 ड्रेसेज ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सारे के सारे एक दूसरे से हट के डिज़ाइन उसने प्रेजेंट किए थे, दैट्स व्हाई शी वाज द विनर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट द 100 ड्रेसेज, आपको अच्छे से रीड करना है इसको, ओरल कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ चेक करते रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।